हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। इथिक्स के जो हम करा रहे थे आपको प्रश्न पत्र, इसमें हम आपका दूसरा प्रश्न पत्र लेकर आज आए हैं और इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु कौन सा नैतिक स्टैंड लिया जाना चाहिए। प्रश्न विचार यह है, आज के भूमंडलीकरण वाले विश्व में ये जो युग है वह क्या है? भूमंडलीकरण का युग है। इस भूमंडलीकरण के युग में जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप जो है आज के भूमंडलीकरण वाले युग में विश्व एक गांव की संकल्पना में आ गया है। इससे अनेक नैतिकता के संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्याओं के समाधान हेतु कौन से नैतिक स्टैंड होने चाहिए का वर्णन ही उत्तर की विषय वस्तु है। कौन कौन से कर्तव्य इसमें बने रहने चाहिए, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, आज वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य व राष्ट्र तथा विविध संगठनों के मध्य मानवीय व नैतिक मूल्यों में ह्रास से जनित समस्याएं प्रकाश में आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित नैतिक स्टैंड लिया जाना चाहिए। आप जान लीजिए कि इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण समस्याएं, जो क्योंकि पूरे विश्व को एक राष्ट्र मान के प्रश्न में पूछा गया है, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उजागर हो रही है। तो प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश की जो संप्रभुता होती है वह जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राज्य किसी भी राष्ट्र के चार प्रमुख गुण होते हैं, मतलब चार प्रमुख अंग माने गए हैं। जनसंख्या है निश्चित भूभाग है संप्रभुता है और सरकार है। तो ये जो है चार इसके अंग माने गए हैं। तो प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश की जो संप्रभुता है उसका सम्मान किया जाना, संप्रभुता ही राष्ट्र का सबसे बड़ा गुण होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में किया गया है। 51 में इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में चर्चा की गई है। मानवीय उल्लंघन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मंच से व्यापक विमर्श हो, जैसे कभी कभी क्या होता है मानवीय घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती हैं, तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने संज्ञान में लेता है और वहां की सरकार को इंगित करता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये बहुत जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाए गए हैं, चाहे विश्व मानवाधिकार हो चाहे अन्य क्रियाकलाप हो, इन सभी का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। विकसित देशों की पर्यावरण व अन्य मामलों में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि विषमताओं से शांति भंग न हो सके। विकसित देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, उनकी जो विषमताएं हैं वह कहीं ना कहीं सभी को प्रभावित करती हैं। देश के मध्य पर्यटन खेल संस्कृति गतिविधियों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक खेल है जो एक देश दूसरे देश को जोड़ता है, संस्कृति जोड़ती है और इसके बाद उनके जो है गतिविधियां जोड़ती हैं, व्यापार वाणिज्य जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन समस्त पहलुओं का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। युद्ध का विकल्प अंतिम हो तथा परमाणु रासायनिक व जैविक युद्ध की नौबत न आए, हमारा यह भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि किसी देश के साथ जब हम संबंध बनाते हैं तो वह संबंध इस तरह का होना चाहिए कि हमारे और उसके बीच में किसी प्रकार का सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक टकराव न हो, जिससे बातचीत से न सुलझाया जा सके। उसको प्रायः बातचीत से सुलझाना चाहिए और अगर बातचीत से ऊपर कोई बात जाती है तब जाकर हमें जो है युद्ध की नौबत पर आना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब इसे ग्राफ द्वारा देखिए
तो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बात करें तो राष्ट्र राष्ट्र संबंध व राष्ट्र संघ का संबंध, राष्ट्र राष्ट्र का क्या संबंध होता है और इसमें जो है राष्ट्र संघ का क्या संबंध बनता है, तो पहली बात तो इसमें संप्रभुता का सम्मान, इस पर अगर बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता है, क्या करता है अपने राष्ट्र की संप्रभुता का, ये क्या करता है सम्मान करता है, हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, संप्रभुता को क्षति होने पर हम तुरंत क्या करते हैं उसका विरोध करते हैं। इसके बाद विवादों का समाधान कराते हैं, भारतीय अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में विचार करता है। इसके बाद मानवाधिकार का उल्लंघन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका, मानवाधिकार का उल्लंघन होने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो है विचार विमर्श देखा जाता है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए इधर क्या होता है, युद्ध का विकल्प अंतिम विकल्प होना चाहिए तथा जैविक व रासायनिक युद्ध नहीं होने चाहिए, जैविक व रासायनिक युद्ध होने से आपने देखा होगा कि कई देशों में इस तरह इजराइल में देखिए आप, जो है सीरिया में देखिए, यहाँ पर इतने बड़े बड़े बीमारियाँ जो है रासायनिक युद्ध के कारण हो गए हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु UNO व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघ का सहायता लेनी चाहिए, इन समस्त पहलुओं को इसमें व्यक्त करना जरूरी होता है, जब इन समस्त पहलुओं को इसमें व्यक्त करें तब जाकर आपका प्रश्न क्या होगा पूरा हो जाएगा। छोटा लिखें, पॉइंट में लिखें, आपको प्रश्न लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है, छोटा लिखना है, पॉइंट में लिखना है और ग्राफ द्वारा अपनी बातों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, आकर्षक और आकर्षक साथ साथ अच्छा दिखाई देता है, इन समस्त चीजों को जो है आप इसमें व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रश्न हुआ। अगला आपका प्रश्न जो है नैतिक शासन और स्मार्ट शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कल हम आपको नैतिक शासन व स्मार्ट शासन में अंतर क्या होता है इसको स्पष्ट करने की बात बताएंगे, कैसे इसको स्पष्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई ये प्रश्न में कोई दुविधा रही हो, जो चीज आपको न समझ में आई हो या इस पर आपको और भी सी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे समस्या से समाधान कार्यक्रम में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट करके कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर कमेंट करके अपनी समस्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए इसके अतिरिक्त जो है आप हमारे YouTube चैनल मनोज IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें, ठीक है। तो अपेक्षा करता हूं कि आपको निश्चित से मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।